आज हम बनाएंगे मटर पनीर। आइए देखते हैं। इसके लिए हमने 150 ग्राम हरा मटर लिया है, 100 ग्राम पनीर और एक छोटा प्याज, 5 हरी मिर्ची, 3 छोटे टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला जो कि हमारा होममेड है, 1 1/2 रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 1 टेबलस्पून एवरेस्ट किचन किंग मसाला, थोड़े काजू बादाम, ऑयल, क्रीम जो कि हमारे घर की है, आप अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, ये देखिए, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम ये जो टमाटर, हमारा टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची है, इसको हम हल्का सा, सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे, लाल नहीं करेंगे। सिर्फ हल्का फ्राई करना है, ध्यान रखिएगा। इसको हल्का फ्राई करके हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। सिर्फ टमाटर नरम होने तक हमें इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के इसका बिल्कुल भी फाइन पेस्ट बनाएंगे, एकदम फाइन पेस्ट। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसका ग्राइंडर में फाइन पेस्ट बनाएंगे। हमने जो काजू बादाम रखे थे इसको भी हम इसमें डाल करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये खड़े मसाले जो थे ये डालेंगे। अब
अब इसमें अदरक लहसुन थोड़ा पानी, ये मसाले, ये जार में थोड़ा पानी डाल करके हम ये डाल देंगे और ये मसाले को तेल छूटने तक हम भूनेंगे कम से कम 10 मिनट तक। इसको लीड कवर करके फ्लेम स्लो करके रख देंगे। अब हम फ्लेम को स्लो करके लीड कवर करके 10 मिनट तक रख देंगे और बीच बीच में मसाले को चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा तेल अच्छे से छूट चुका है। ये देखिए मसाला भी भून गया हमारा। अब हम इसमें हरा मटर डालेंगे और मटर के गलने तक हम लीड कवर रख करके वापस से रख देंगे। ये देखिए हमारे मसाले भी अच्छे से भून गए हैं, साथ साथ हमारा मटर भी गल चुका है। देखिए अब हम इसमें एक कप पानी ऐड करेंगे। और फ्लेम को फास्ट कर देंगे। अब इसको बॉयल होने तक लीड कवर करके रखेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा पानी जो हमने इसमें डाला था ये बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें एवरेस्ट किचन किंग मसाला डालेंगे। फ्लेम को स्लो करके 2 मिनट तक और पकाएंगे इसको लीड कवर करके। ये देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ये पनीर डालेंगे जो हमने 100 ग्राम लिए हुए थे। अब ये क्रीम डालेंगे हम ऊपर से।
ये हमने घर की मलाई यूज की है, आप अमूल क्रीम भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मटर पनीर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाउल में सर्व करेंगे।